बुंडू में 8 सूत्री मांग को लेकर आजसू नेता कार्यकर्ताओं का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। रविवार को SDO, DSP, BDO व बुंडू थाना प्रभारी अनशनकारियों से मिले और सभी समस्याओं को सुनते हुए आश्वासन दिया, पर अनशनकारियों से उनकी बात नहीं बनी। आजसू पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो 8 नवंबर को बुंडू अनुमंडल बंद का भी आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें कि आजसू पार्टी द्वारा आहूत यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आंदोलनकारियों को लोगों का जन समर्थन व्यापक रूप से मिल रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा स्थल पर चल रहे आमरण अनशन पर बड़ी संख्या में लोग सुबह से शाम तक जुट रहे हैं। आंदोलन को आम नागरिकों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुंडू अनुमंडल बने 20 साल हो गए, लेकिन कोर्ट, जेल एवं न्यायिक सुविधा आम नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं है। सोना न्यूज बुंडू से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। कांग्रेस के द्वारा आह्वान कर शुरू हुआ है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, इनकी बातों को हम लोग समझ रहे हैं, इनके डिमांड को हम लोगों ने सुना है। कल भी हम लोगों ने सीओ साहब को इनसे बात करके भेजा था, आज भी सीओ साहब को भेजा था, फिर हम लोग भी आए हैं। तो इनके सभी मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की है। कुछ मुद्दे जो हैं जो अभी भी ये सहमति नहीं बन पा रही है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जिला खनन पदाधिकारी यहाँ आए और उनके तरफ से भी कोई एक ठोस आश्वासन या निर्णय बताया जाएगा, ताकि यहाँ के जो है जन आकांक्षाओं से संबंधित मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने आमरण अनशन किया, थोड़ा सॉल्यूशन निकल सके। तो हम लोग कल एक बार बात करने का प्रयास करेंगे और हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं जो लॉन्ग टर्म के हैं, जो तुरंत सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन जो तत्काल सॉल्व होने वाले हैं उन मुद्दों पे सहमति बन जाती है कि आमरण अनशन को तोड़े। और हम लोग सभी एक साथ यहाँ रहते हैं, इस तरह के माहौल में सबों का हेल्थ भी अच्छा रहे, तो भी हम इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे ये लोग जल्द से जल्द आमरण अनशन। वो जिस तरह सर लोग जिस तरह से आश्वासन दे रहे थे उसको हम लोग नहीं माने। हम लोग जो वार्ता वो विफल हो गया उनसे, तो फिर बोले कि कल रांची से कोई संबंधित पदाधिकारी को बुलाएंगे बड़े, अब देखते हैं कल क्या होता है। किन पदाधिकारी को बुलाने की बात हो रही है? खनन विभाग से किसी को बुलाएंगे बोले, फिर जिला से किसी को, जिला DC सर के ऑफिस से किसी को बुलाएंगे बोल रहे हैं। किन किन बातों को लेकर सहमति बन रही थी? फिलहाल कोई बातों को लेकर सहमति नहीं है। क्या चाहेंगे आप लोग? चाहेंगे कि मांग हम लोग का 8 मुद्दा है, जब तक नहीं होगा यहाँ पे पड़े रहेंगे। ये नहीं कोई अगर सोच रहा है कि 2 दिन या 3 दिन के बाद उठ जाके खत्म ये लोग चल जाएगा, बस राजनीति चमकाने के लिए आया था, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। जब तक समाधान नहीं होगा यहाँ से हिलने वाले नहीं है, एकदम ही एक लाइन में क्लियर है। आगे आपका क्या निर्णय है? आगे हम कल अगर आता है कोई बड़े अधिकारी, अगर वार्ता होता है तो अनशन तोड़ेंगे, नहीं आता है तो फिर हम लोग बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के मगस्थल पर यूं ही धरना पे बैठे रहेंगे। बंद करने के भी कुछ पब्लिक लोग तो आ रहा था कि 8 तारीख से बुंडू बंद रखेंगे, अगर समझौता नहीं होता है तो ऐसा तो क्या समझौता नहीं होता है तो बुंडू बंद का ऐलान करेंगे क्या? 8 तारीख से बुंडू बंद रहेगा। कितना तारीख? 8 तारीख से। महसूस कर रहे हैं आप आमरण अनशन में आए और अधिकारी लोग आए थे, तो क्या बातें हुई? अधिकारी लोग आए थे, जो वार्ता होना थे वो वार्ता विफल हो गया। वार्ता विफल हो गया, अब आगे का क्या निर्णय है आप लोग का? आगे का अनशन हम जारी रहेगा।